चल दिए हैं पुणे से इस रिजॉर्ट के लिए। सो ये रिजॉर्ट का नाम मैं आपको जल्दी बताऊंगी, तो ये लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। 44 किलोमीटर्स है सिर्फ पुणे से ये रिजॉर्ट, एंड मुल्शी एरिया में है। एंड रिजॉर्ट का नाम चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, जो रिजॉर्ट का नाम है वो है रेजिडेंसी लेक रिजॉर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और इनके रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जो आप आगे जाके देखोगे। पैरानोमा व्यू रूम, लेक व्यू रूम है और खाना अच्छा है और इसके रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, काफ़ी यू नो इंस्टाग्रामेबल रेस्टोरेंट है। एंड ग्रीनरी काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं, सो एक अच्छी सी वाइब आती है और लेक एकदम बगल में है इस रिजॉर्ट के, तो मतलब अगर आपको एकदम पीसफुल अगर आपका वेकेशन चाहिए तो आप ज़रूर इधर आइए। खाना काफ़ी अच्छा है, मेरा एक भी ऐसा टाइम नहीं हुआ जिसमें मुझे खाना अच्छा नहीं लगा हो। बफे लगाते हैं लोग लंच एंड डिनर में, तो आप खा सकते हो और व्यू तो अमेजिंग है ही, तो आप रेस्टोरेंट से आपको इतना अच्छा व्यू, लेक व्यू मिलता है कि आप यहीं पर आके खाओगे, रूम में ऑर्डर नहीं करोगे। सो आई हैड अमेजिंग टाइम। सो जो हमारा रूम था वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसे आना है और ऊपर ही अलग तरह के रूम्स बना रखे थे, पैरानोमा लेक व्यू रूम। तो हम अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग आए थे, एंड आप देख रहे हो वो रूम है एंड वहीं से सामने से लेक दिखती है। यू कैन सी दैट, कितने अच्छे फ्लावर्स, ग्रीनरी, गार्डनिंग सब कर रखी थी। और ये हमारा रूम है जिसमें हम एंटर करने वाले, तो आप जल्दी ये रूम देखने वाले हो। और एक स्विंग जैसा एक चेयर लगा रखा था, बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर सुबह सुबह चाय पीने के लिए। एंड ये रूम है, काफ़ी बड़ा रूम था नो डाउट, एंड वार्डरोब क्लीनिनेस थी और अच्छे अच्छे पेंटिंग्स लगा रखे थे, सब कुछ, केटल था, यू नो ब्लो ड्रायर भी था बाथरूम में, कबर्ड था अच्छा जिसमें आराम से अपने कपड़े रख सकते हो। बाथरूम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक सा था, बनाया हुआ था बोहो स्टाइल का, एंड काफ़ी अच्छा था। ये शावर अलग से दिया हुआ था और यू नो मिरर भी काफ़ी अच्छे अच्छे दे रखे थे, गेट में भी मिरर लगा रखा था, आप सेल्फी वगैरह ले सकते हो। एंड देखो इसमें ना अलग से सोफ़ा कम बेड भी लगा हुआ था, एंड खिड़की जो देख रहे हो आप, एक अलग से सोफ़ा, मतलब 2-3 से 4 लोग तो आराम से इस रूम में आ सकते हैं, तो आराम से। और ये देखो यहाँ खिड़की से ही वहाँ पे आपको व्यू देखने मिल रहा है, लेक व्यू, तो अमेजिंग था बहुत ही ज़्यादा। ये सोफ़ा कम बेड है जो आराम से आप इसको बेड भी बना सकते हो। मैं अपनी डॉटर काफ़ी चिल कर रही थी। एंड द मेन व्यू ये है, ब्रेथ टेकिंग व्यू, शाम को या सुबह सुबह आप ये गरम गरम चाय स्विंग चेयर में बैठ के आराम से व्यू इंजॉय करते हुए कर सकते हो। और अभी तो मानसून सीजन आ रहा है, तो ये टाइम बेस्ट है रिजॉर्ट में जाने का, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा व्यू कहीं पे आपको मिलेगा। एंड रूम काफ़ी स्पेशियस थे, ऐसा नहीं कि खुलते ही ख़त्म हो जाए, काफ़ी स्पेशियस थे। एक सोफ़ा टाइप लगा था, सोफ़ा कम बेड लगा था, बड़ा आराम, तो मतलब आपको काफ़ी ऐसे लग्जरी वाली फीलिंग आएगी जब भी आप इसे रिजॉर्ट में जाओगे। और सोफ़ा में भी आराम से मैं लेट जाती थी रेस्ट करने के लिए, और व्यू भी ऐसे शटर था जो ऑन कर दो और इस तरह से आप देख सकते हो व्यू फ्रॉम योर सोफ़ा। रूम के अंदर से ही, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अंदर से भी यू नो लेक व्यू देखने को मिलेगा। सो आई वॉज़ वेरी इंप्रेस्ड विद द रिजॉर्ट। बस ये था कि रूम सर्विस मुझे इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका स्टाफ का भी कम था, मे बी इस टाइम तो रूम सर्विस काफ़ी लेट कर रहे थे, तो हम रेस्टोरेंट में जाके ही खा रहे थे। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के ही हमारे रूम्स थे पैरानोमा, 3 से 4 रूम्स ही थे। और यहाँ पे कार पार्किंग भी आपके लिए भी अच्छी फैसिलिटी है, तो अगर आप अपने खुद ड्राइव करके आ रहे हो मुंबई या पुणे से, तो आप आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हो। उनका खुद का बहुत अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी, पेड़ पौधे सब लगे हुए थे। ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ था, जो पूल साइड एरिया में है, चेस था, कैरम बोर्ड था, टीटी था, और यू नो बच्चों के लिए भी प्लेग्राउंड था तो बना हुआ है। एंड काफ़ी अच्छी जगह थी, मतलब यहाँ पे देखो ग्राउंड में आप आराम से बच्चों को लेके जा सकते हो। स्विमिंग पूल था जिसमें काफ़ी लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, तो काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल था, ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा सा हो। एंड आसपास सारे ग्रीनरी वगैरह थे, इसी एरिया में स्विंग करके यू नो काफ़ी स्विंग्स लगे थे, मतलब कोई भी बड़े या छोटे बच्चे स्विंग कर सकते हैं, वो मैं कैप्चर करना भूल गई, पर यहाँ स्विंगिंग के लिए भी लगा हुआ था। एंड खाना काफ़ी अच्छा था, ब्रेकफास्ट, ओ माय गॉड, हमने पकौड़े खाए थे, सैंडविचेस खाए थे, और चाय तो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और ये गरम गरम चाय हम इस व्यू के साथ एंजॉय कर रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकती व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज रियली अमेजिंग, यू शुड ट्राई इट वंस इफ यू लिव इन मुंबई या पुणे, आप ज़रूर इस रिजॉर्ट में आओ। एंड
बाहर भी बैठने वाली जगह थी, बाहर भी अब कहीं भी बैठ सकते हो, एंड प्ले मतलब बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड था, काफ़ी इवेंट तंबोला वन इवेंट्स वगैरह भी वो लोग करते रहते हैं, और काफ़ी गेम्स टीटीविटी सब कुछ रहता है यहाँ पे। मतलब आपका परफेक्ट वीकेंड आप आराम से 1 से 2 दिन के लिए मना सकते हो। रात के टाइम भी बहुत अच्छा व्यू आता है, रात के टाइम भी लोग काफ़ी कुछ इन्जॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, और यहाँ पे गेम्स के सारी फैसिलिटीज़ रहती है, गेम्स वगैरह सब हैं, तो आप एक ही जगह पर सब कुछ कर सकते हो। एंड खाना, अगेन आई एम सेइंग, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, तो हमने ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे। एंड यू एंजॉय दिस व्यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो।